والسلام على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قاف الورى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا لا أسأل عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یہ جو یار آگے آ جاؤ یہ خالی جگہ کو فل کرو نا کوئی ایسی بات نہیں ہے تو آگے 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 آ جائیں نا ذرا تھوڑی سی دیر یہ حاضری ہوگی یہ ڈسپلن ہوتا ہے نا اچھا عجیب بات ہے ولیمے کی دعوت میں کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے تو یار جلسے میں درمیان میں جگہ خالی نہ رکھا کرو نا ٹھیک ہے بسم اللہ حضرات اصل بیان تو ہمارے مہمان ہیں ان کا ہوگا میں تو آپ کا ایک خادم ہوں کیونکہ بیرونی دنیا میں رہنے کی وجہ سے میں بھی مہمان ہی ہوں ویسے تو اس دنیا میں ہم سب مہمان ہیں لیکن یہ مہمان ہیں معزز ہیں آئے ہیں ان کا اصل بیان ہوگا میں نے کہیں اور بھی جانا ہے بس اتنی بات یاد رکھیے آج 10ویں محرم ہے امام پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں شہادت امام عالی مقام کا اصل مقام شہادت کا اصل فلسفہ اور اصل مقام حسین نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ بیان کر سکتے ہیں کیونکہ مقام حسین کو اللہ کے محبوب کی وہ زبان بیان کر گئی ہے کہ جس زبان کو رب اپنی زبان فرماتا ہے اس لیے میں اور آپ کون ہیں ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہمارے خیالات جہاں خیالات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام حسین کی ابتدا ہوتی ہے ایک خبیث نے صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کی اس لعین اور لعنتی کو بگا دیا گیا ورنہ ہم اس سے پوچھتے کہ اے لعین تو اس کے بارے میں بک بک کر رہا ہے جس نے نبی کو کندھوں پر اٹھا کر گھر شور میں لے گیا تو اس کے بارے میں بک بک کر رہا ہے جس پر اللہ کے محبوب نے اتنی اعتماد کیا
कि हिजरत की शब अपने साथ रखा तो उस पर बक बक कर रहा है कि जिसके अल्लाह के महबूब ने अपनी उन अय्याम में आखिरी इस ज़ाहिरी जिंदगी के अय्याम में अपने मुसल्ले पर अपनी मौजूदगी में खड़ा किया। यहाँ वो बात नहीं मैं करता क्योंकि मौजू यही इमाम आली मकाम है और उस लेन की तरदीद भी बड़ी लाजमी है। याद रखो जो सिद्दीक अकबर की सहाबियत का इनकार करे वो काफिर है, वो काफिर है क्योंकि वो नस्से कतई कुरानी का इनकार कर रहा है, और जो माज अल्लाह उनके ईमान का इनकार करे वो काफिर अलल काफिर अलल काफिर अलल काफिर है। अब माना ये है, अब जालिम ये तो सोच जिसको अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में मुसल्ले पर खड़ा किया बल्कि फारूक आजम को खड़ा कर दिया गया, सरकार को आवाज आई, मैं ज्यादा वजात नहीं करूंगा, आवाज आई, पूछा ये कौन है, उमर का ला ला ला, क्यों जनाब तीन बार फरमाया कि क्यों फरमाए कह रहा हूं ला 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 या अल्लाह, अल्लाह भी इनकार करता है और उसका रसूल भी, इल्ला ने अभी बकर सवाए अबू बकर के कोई और खड़ा ना हो, वो उस वक्त सिद्दीक अकबर को खड़ा किया गया। सिद्दीक अकबर सिद्दीक अकबर ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए, बहुत सारों की जुबानें सिद्दीक अकबर कहने में भी हमारे लोगों की गुंग हो रही हैं और वो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, इसलिए सिद्दीक अकबर कहा करो, सिद्दीक अकबर, और वो जिन्हें सरकार ने अपनी जिंदगी में अपने मुसल्ले पर खड़ा किया। और जनाब हैदर करार के अल्फाज मैं शिया की किताबों में भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास निशान लगे हुए हैं। मौला मुर्तजा हैदर करार शेर खुदा ने फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक, तुझे सिद्दीक का लकब और नाम जमीन वालों ने नहीं दिया, ये वहां से आए, ये वहां से आया। और फिर ये भी फरमाया, ऐसे सिद्दीक अकबर है अबू बकर, मैं बीमार नहीं था सेहतमंद था, मैं गैर हाजिर नहीं था मौजूद था, मेरी मौजूदगी में मेरी सेहत के होते हुए नबी पाक ने तुझे अपने मुसल्ले पर खड़ा किया। जब अल्लाह का महबूब तुझे आगे करे तो तुझे पीछे करने वाला कौन है? और क्या मुझे बताओ मौला अली ने उनके पीछे नमाजें पढ़ी हैं कि नहीं? बोलो, बागे फतक के वाके के बाद भी पढ़ी हैं कि नहीं? अगर मौला अली ने उनके पीछे नमाजें पढ़ी है तो जालिम आज तू जो बक बक बकवास कर रहा है, क्या मौला अली ने काफिर के पीछे नमाजें पढ़ी है? क्या काफिर को अपना इमाम माजल्ला बना लिया है? अगर काफिर को इमाम मौला अली जैसा शेर खुदा और इमामुल औलिया बनाए तो फिर तू अपनी बक बक यहां ना रोक आगे ले जा। अल्लाह के महबूब सर्र आलम ने जिस पर एतमाद किया वो सिद्दीक अकबर है, और बागे फदक के उस वाके को उस फैसले को मौला अली ने भी कायम रखा। आज तू अगर सिद्दीक अकबर पर बक बक कर रहा है तो मौला अली ने अपने 4.5 साल खिलाफत में वो फिर हक क्यों नहीं आया इधर? क्योंकि वो भी मानते थे कि जो फैसला सिद्दीक ने किया है यही रसूलुल्लाह का फैसला है, और जो उसके बारे में बक बक करे वो लईन है मरदूद है काफिर है। आइए इमाम की बारगाह में, हमारा इमाम पीटने वाले वो है, मातम करने वाले वो है, क्योंकि मातम वही उन्होंने ही किया जिन्होंने बुलाकर धोखा किया था। सबसे पहला मातम यजीद के घर में हुआ और उसके बाद मातम कूफे वालों ने किया, वो कूफे वाले कूफी ला यूफी, वो कूफे वाले जिन्होंने वफा नहीं की, जिन्होंने इमाम को बुलाया बुलाकर धोखा किया, उन्होंने मातम किया है और आज भी मातम वही कर रहे हैं, वही बुलाकर धोखा करने वाले कर रहे हैं। हम मातम क्यों नहीं करते? काफिर है जो मुनकिर है हयाते शुहदा का, काफिर है जो मुनकिर है हयाते
शोहदा का हम जिंदा है जावेद का मातम नहीं करते शाने इमामे आली मकाम शाने इमामे आली मकाम शोहदाए करबला जो आयात मैंने पढ़ी हैं वक्त नहीं के उनको तफसीली बयान करूं कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा महबूबा तू फरमा दे माना ये कलाम मेरा है मगर मैं डायरेक्ट कलाम मेरा है जुबान तेरी तू फरमा दे ला असअलुकुम ये कुम की खतीब ये खताब की ज़मीर जो है जमा की ये आइंदा क़यामत तक आने वालों के लिए है और जो उस वक्त मौजूद थे उनके लिए है कुल ला असअलुकुम तुमसे नहीं मांगूंगा इसका माना ये है तुमसे क्यों मांगूं मुझे देने वाला और है कुल ला असअलुकुम अलैहि इस पर मैं अजर नहीं मांगता अजरन नकरा है इसमें उमूम है यानी किसी किस्म का भी अजर नहीं मांगता कोई ना छोटा ना बड़ा ना यहां ना वहां कोई अजर नहीं मांगता इल्ला सवाए ये अर्थ इस्तिस्ना है ना माना ये है अजर नहीं मांगता मगर एक अजर मांगता हूं इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा मेरे अकरबा जितने हैं उनसे मवद्दत करो एक है मोहब्बत एक है मवद्दत मोहब्बत और मवद्दत में बड़ा फर्क है ये कभी फिर बयान करूंगा वक्त नहीं लेकिन इतनी बात याद रखो कि जहां मोहब्बतें सारी खत्म हो जाती हैं वहां से मवद्दत शुरू होती है याद रखो सादात इकराम का जो सुन्नी सादात हैं सहीउल अकीदा सादात हैं उनकी इज्जत करो उनका एहतराम करो और वो इज्जत और एहतराम किसी और वजह से नहीं नबी की आल होने की वजह से अब माना ये है कि हम अगर इस तरह का ख्याल करने वाले हैं कि मुअद्दत मांगी और फिर है हुसैन तेरा मुकाम कितना ऊंचा है जिसे नबी नमाज के हालत में भी अपने दोष से नीचे ना होता है नबी सजदे लंबे कर ले तस्बीहें लंबी कर ले अल्लाह का रसूल और हुसैन कंधे पर बैठे हूं उन्हें उतारे ना माना ये है हुसैन तू वहां बैठा है जहां दोषे मुस्तफा पर मोरे नबुवत मौजूद है तू बड़ा ऊंचा है जब तू ऊंचा है तो तुझे कोई नीचा नहीं कर सकता अब देखिए तो सही ना करबला में कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं थी करबला में मुकाबले में काफिर नहीं आए थे बजायर काफिर नहीं आए थे हाँ आले बैत पर तोहीन और जुल्म करने के बाद वो काफिर हो गए लेकिन था क्या कि हमारी हुकूमत को तस्लीम करो लेकिन इमाम आली मकाम जंग के लिए नहीं गए थे सुनो अगर जंग के लिए गए होते तो 6 माह के इमाम अली असगर को साथ ना लेकर जाते पर्देदार बीबियां साथ लेकर ना जाते क्योंकि उसमें भी एक राज है उसमें भी एक राज ये है जो बात मैं आज करूंगा लेकिन इतनी बात कूफे वालों ने बुलाया धोखा किया फराक पर पैरे बैठा दिए गए क्योंकि अल्लाह के रसूल को भी पता था हुसैन शहीद होगा इसलिए आपकी उलूम पर बोसे दिया करते थे अल्लाह के महबूब सर्वे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन उन्हें इसी शहादत ही के लिए तैयार किया गया था और सुनो मैं ये अक्सर कहा करता हूँ इमाम हसन का किरदार एक है ये लोग मातम करने वाले इमाम हसन का दिन क्यों नहीं मनाते इमाम हसन भी तो सैयदा की औलाद है इमाम हसन भी तो उस चादर के अंदर थे जिस चादर में अल्लाह के रसूल ने 4 तन दाखिल करके कहा अल्लामा हाउलाए अल बैकी जब उसमें इमाम हसन भी थे आज हुसैन करते हो हसन क्यों नहीं कहते आले हुसैन का जिक्र करते हो आले हसन का जिक्र क्यों नहीं करते इसलिए कि गौसे पाक हसनी है इसलिए
इमाम मेहदी भी इमाम हसन की औलाद में होंगे, वो मेहदी नहीं जो तुम्हारा छुपा हुआ है, वो मेहदी जो हमारे आएंगे। अब माना ये है कि इमाम आली मुकाम का मुकाम कितना ऊंचा है कि आपने शरीयत को बचाया। बज़ाहिर वो मुसलमान थे लोग जो के मुकाबले में आए, लेकिन आपको पता था कि यजीद फासिक और फाजर है। फासिक और फाजर के हाथ में हाथ नहीं दिया, बैत नहीं की। अब ये हक और बातिल की जंग थी। हक और बातिल की इसलिए कि शरीयत हक है, इस्लाम हक है, अल्लाह के महबूब का दीन हक है, और जो इसके खिलाफ करे वो बातिल पर है। जब वो बातिल पर है तो इमाम आली मुकाम डट गए, पानी बंद कर दिया गया, इमाम डट गए। वाह, हम इसलिए कहते हैं वाह हुसैन वाह, सारे कहें ना जरा, हम आए नहीं कहते। पीटे वो जिसका नुकसान हुआ हो, पीटे वो जिसका कोई मरा हो, हमारा हुसैन जिंदा है, हमारा हुसैन, हमारे हुसैन, हमारे हुसैन, इसलिए हम आए नहीं कहते। तुम आए करो, तुम्हारे मर गए। तुम जालमो आए करते रहो, तुम्हारे मर गए, हमारे हुसैन भी जिंदा हैं, हुसैन पाक के साथ शहीद होने वाले भी जिंदा हैं। इसलिए हम कहते हैं वाह हुसैन वाह हुसैन वाह, वाह हुसैन तेरा कमाल। जंगे बद्र भी हुई, जंगे उहद भी हुई, वो काफिरों के खिलाफ अलग ऐलान जंग थी, लेकिन ये जंग अजीब है। पर्देदार बीबियां हैं, मासूम बच्चे हैं, ज़ालिमों ने पानी बंद कर दिया गया। किसी और जगह पानी बंद नहीं हुआ, पानी बंद कर दिया गया। अब तक मासूम अली असगर आपको गोद में लेकर आप आगे बढ़े, हज़रत अब्बास के बाजू कलम हो गए। ये सारी चीजें हुई लेकिन इमाम डटे रहे। अब इमाम जब आए, लाशें पड़ी हुई, बेटों की लाशें पड़ी हैं, औनो मोहम्मद की लाशें पड़ी हैं, जानबाजों की लाशें पड़ी हैं, आखिरी शहादत इमाम की है ना, तमाम शोहदा की लाशें पड़ी हैं। इस आलम में कुदरत ने कहा ना हुसैन, ये लाशें सारी पड़ी हैं। हुसैन मुस्कुरा कर कहा हे मौला, अब भी राजी है? ये लाशें देखकर भी तो राजी है। अब माना ये थे इमाम अली मकाम की इस्तकामत। इसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है, लाखों ने सजदे किए, इसका अजब अंदाज है। इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इसलिए हम कहते हैं वाह हुसैन वाह हुसैन तेरा सजदे, वाह हुसैन तेरी इस्तकामत, वाह हुसैन वाह तेरा मैसेज। तूने शरीयत को बचाया, तूने दीन मुस्तफा को बचाया, तूने मिंबरों मेहराब की अजमत को बचाया। अगर नाने के दीन को बचाया तो तूने बचाया। काशिमर रुक जा, जुमे का दिन है ना, रुक जा, मुझे सजदा कर लेने दे। जालिमो आज मातम करते हो, नमाजें नहीं पढ़ते, और तुम लोग भी चावल खा लेते हो, नमाजें नहीं पढ़ते हैं। नमाजों की पाबंदी करो। जिस इमाम ने सजदे में रख कर सर कटाया, सर को सजदे में रखा और काटा गया, उसी इमाम का पैगाम ये है, लाखों ने सजदे किए, इसका अजब अंदाज है। इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अल्लाह मुझे और आपको सच्ची मोहब्बतों में रखे। मोहब्बत आले बैत यकीनन लाजमी है, इस पर कायम रहिए और कायम रहकर आगे बढ़िए। मैंने कहीं और भी जाना है, फिर नमाज के आंदा मैं ये अर्ज करूंगा कि आप जितनी तकारीर होंगी जोर की नमाज के बाद रखा करें, उसे पहले शुरू करें, तकारीर जोर के बाद या एक दो नाते भी, ताकि तसल्ली के साथ लोग आए नमाज पढ़कर। अल्लाह हम सब पर करम फरमाए। मेहमान भी हमारे मौजूद हैं, क्योंकि मेहमान हम सब के हैं, तो इकराम ज़ैफ यानी इमाम अपने मेहमान का इकराम भी लाजमी है, और सैयद पाक भी मौजूद हैं। अल्लाह करीम हम सब पर फजल फरमाए। मा अलैना।